क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शीर फाटा इलाके में जो घटना सामने आई, साजिद खान जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उनके साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए हितेश वास्कर ने मारपीट की और जिस तरह से जय श्री राम नारे लगाने के आरोप जो है उस पर लग रहे हैं। रात के समय FIR तो हितेश पर डायघर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके वजह से मुमरा शहर के तमाम उलमा इकराम जो है आज DCP ऑफिस 3 बजे जाने वाले थे कि आखिर इस शख्स की यानी हितेश की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन जैसे ही ये मैसेज चला उसके बाद DCP और ACP खुद मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे और जो मुमरा शहर के मुस्लिम समुदाय के ज़िम्मेदार हैं, उलमा इकराम हैं, उन सभी लोगों से यहाँ पर जो है मुलाकात की और उन्हें क्या आश्वासन जो है पुलिस की तरफ से दिया गया है हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका मौलाना साहब? साजिदुर रहमान। आप लोग गए थे मुमरा पुलिस स्टेशन में ACP, DCP और सीनियर PI से मुलाकात की, क्योंकि आज शायद 4 बजे का आप लोग समय रखे थे DCP ऑफिस जाने का, गिरफ्तारी की जो है मांग हो रही थी, तो क्या बातचीत हुई आप लोग? जी, इस मैटर को लेकर के बातचीत हुई DCP साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह तो होना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे, अरेस्ट किया जाएगा और FIR दर्ज कर ली गई है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं शहर लेवल में, जो शहर के अमन को, इसकी शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस महकमा से कि उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी करेंगे और उन्होंने हमें इस बात का यकीन भी दिलाया है। मुफ्ती अब्दुल वासी साहब, जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी की मांग जो है आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस ने क्या बताया आप लोगों से कि कुछ टीमें गठित भी की गई हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, इस तरह की कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई? 8 टीमें बताई हैं कि उसकी गिरफ्तारी के लिए की गई है और कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है कि जिसको गिरफ़्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल हो। जब बड़े से बड़े लोगों को जिनको के सपोर्ट में हज़ारों लोग खड़े हो सकते हैं, उनको पुलिस क्या कहते हैं रातों रात गिरफ़्तार करके मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसी शख्सियत को पकड़ के गुजरात तक ट्रांसफ़र कर सकती है, तो ऐसे आदमी को पकड़ना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चाहते हैं कि फौरी गिरफ्तारी हो और किसी भी तरह की उसमें कोई टाल मटोल या किसी तरह के प्रेशर की बेस पर क्या कहते हैं उसकी गिरफ्तारी को टाला ना जाए। लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जिस तरह से पहले उसने जो घटनाएं की हैं, जो मामलात उसके सामने आए हैं, अगर उस पर कड़ा एक्शन पहले अगर पुलिस ली होती तो शायद आज उसकी हिम्मत इस तरह से नहीं बढ़ी होती कि वीडियो बनाने के साथ साथ आज वो सड़क पर उतरकर जो है मारपीट भी कर रहा है, नारे भी लगवा रहा है। बात बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उसकी हेड स्पीचेस के वीडियो, शॉर्ट क्लिप्स वगैरह सोशल हैंडल पे बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद है। हम पुलिस को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। और अभी उसने अपने जैसे कई नौजवानों को मुनाफरत की लाइन में खड़ा कर दिया है, जो इस तरह की शरपसंदी की बातें करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए और कितने लोग उसके साथ जुड़ गए हैं, कितने लोग क्या कहते हैं इस फसादी माहौल को पैदा करने वाले हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी के साथ, ताकि आगे चल के उसके जगह कोई दूसरा लेकर के माहौल ख़राब करने के लिए खड़ा ना हो। मौलाना साहब, आपने भी हेट स्पीच मामले को लेकर यति नरसिंहानंद पर एक FIR दर्ज कराया था और अब बताया जा रहा है कि वो FIR जो है UP में किसी FIR से वहाँ पर जो है उसे जोड़ दिया जा रहा है, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था उसी सिलसिले में, शायद क्या बताया गया? मैंने अपडेट लिया था पुलिस स्टेशन से कि यति नरसिंहानंद पर जो FIR हमने किया था उसकी अपडेट क्या है, तो उन्होंने हमें एक लेटर भेजा है, मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा है कि इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है
चूँकि वहाँ से जुड़ा हुआ है, गाज़ियाबाद से, उसने वहाँ स्पीच दिया था, इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं पर ही तलब किया जाएगा। यहाँ की टीम गई हुई है, इस तरीके की बात उन्होंने की। किसने बताया? काले सर गालिबन नाम है उनका, पहले जो सीनियर हुआ करते थे उनके राइटर थे, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई है और उनके व्हाट्सएप से मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है, लिखित में आया है। एडवोकेट साहब, एडवोकेट शारिक, आप भी यहाँ पर हैं, तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, जो यति नरसिंहानंद पर FIR दर्ज कराई गई थी, जैसे कि अभी मौलाना सलमान अजहरी साहब का जो मामला सामने आया, तो उन्हें यहाँ से मुंबई से सूरत गुजरात लेकर जाया गया। जब FIR यहाँ पर हुई है, मुम्बरा शहर में हुई है, तो फिर FIR वहाँ जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो क्या कैसे ये इसका दाव पेच है, हो रहा है, क्या बताएंगे? पुलिस को पावर है कि FIR को शिफ्ट कर सकती है इस बेस पे कि उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बैठ रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ की पुलिस को बार बार वहाँ जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे लोकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो लोकल अथॉरिटी बराबर तरीके से करती है, इसलिए FIR को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको कुछ परेशानी नहीं होगी, उनको एक बार एज ए विटनेस कोर्ट जाना पड़ेगा, या तो हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करके इसको यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे क्या करना है बेहतर, वो हम करके लेंगे इंशाल्लाह। सभी लोगों के जहन में ये घूम रहा है कि जो मौलाना अजहर मुफ्ती साहब का जो मामला सामने आया था, तो उसमें उन्हें यहाँ से उठा के वहाँ लेकर जाया गया, तो FIR यहाँ हुई तो क्या उनको यहाँ नहीं ला सकते? इस तरह के लोगों के दिल में जहन है, तो कैसा है, जो FIR करता है वो कंप्लेनेंट, उनके एलिगेशन अगर अलग अलग होंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगह होगी, तो दोनों FIR का एलिगेशन देखा जाएगा तो अलग अलग है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई फर्स्ट वाली FIR की, तो सेकंड वाली FIR का ताबा लेने के लिए वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको जेल से ही वहाँ पे ले गया गया। अब दोनों केस में उनको बेल लेनी पड़ेगी, तब वो बेल आउट होगी, यानी दोनों जो मामला है जो है वो अलग 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 मामला जी। क्या क्या यहाँ से मुफ्ती साहब को गुजरात ले जाया गया, ऐसे ही यति नरसिंहानंद को महाराष्ट्र पुलिस को क्या कहते हैं यहाँ लाकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए सेम वे पे, क्योंकि हेट स्पीच ही बेस मामला है दोनों का। इसलिए सलमान साहब को यहीं घाटकोर पुलिस अपनी कस्टडी में रखती, यहीं पे उनकी इंक्वायरी होती, उनके केस को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता, लेकिन ऐसा उनके मामले में नहीं हुआ, उनको गुजरात ट्रांसफ़र किया गया घटनास्थल की बुनियाद पर कि वहाँ पर वो हुआ है। तो उनको यति नरसिंहानंद का मामले को क्या कहते हैं यहाँ पर लाना चाहिए था और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे एडवोकेट हैं, इनका कहना है कि दोनों मामला जो है अलग अलग है और पुलिस में पुलिस जो है उसको अपने हिसाब से उसको शिफ्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ भी दे सकती है। दो अलग FIR है ना, तो दो अलग FIR की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अलग अलग हैं, पुलिस स्टेशन भी अलग अलग है, अगर तीन या चार भी होती तो भी इसी तरीके से उनका तावा घूमते रहता, वो तो प्रोसीजर है, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन होता तो उसको क्लब किया जाता, सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है दोनों FIR में, इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आपको कहा भी गया है कि आपको बयान देने के लिए शायद UP जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। आज अपडेट लेने के लिए सिर्फ मैं गया था तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा मेरे व्हाट्सएप पर कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपने सुना कि मुम्बरा पुलिस स्टेशन में आज ACP DCP सीनियर PI से जो है तमाम उलमा इकराम जो है मीटिंग की, बातचीत की, क्योंकि जो हितेश वास्कर है उसके ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, बताया जा रहा है कि जो उलमा इकराम इनसे जो बातचीत हुई, इन्हें बताया गया, जानकारी दी गई कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने के लिए पुलिस की तरफ से 8 टीमें गठित की गई हैं।